अगर आप टाइगर लवर हैं और जंगलों में घूमना आपको बेहद पसंद है तो समझ लीजिए ये खबर आपके लिए ही है। देश के जाने माने टाइगर रिजर्व में से एक रणथंबोर टाइगर रिजर्व में T73 नाम की बाघिन ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। कैमरे में कैद हुए तीनों शावक बाघिन के साथ घूमते और अटखेलिया करते नजर आ रहे हैं। बाघिन के साथ शावकों के नजर आते ही टाइगर रिजर्व में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। साथ ही बाघिन और उसके शावकों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। सर बताएं, रणथंबोर में नए मेहमानों ने दस्तक दी है, क्या कुछ है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के अंदर? अभी रणथंबोर बाघ परियोजना के अंदर T73 जो बाघिन है उसके 3 बच्चे कैमरा ट्रैप में कैप्चर हुए हैं। यह कुंडेरा रेंज का दरा क्षेत्र जो है वहाँ पर इन बच्चों को कैमरा ट्रैप में कैप्चर हुआ। कुछ दिन पूर्व सूचना अवश्य मिली थी कि साहब वहाँ इस टाइगर्स ने कब्ज दिए हैं, लेकिन ऑथेंटिकेटेड करने के लिए हमने कैमरे लगाए थे और उस कैमरे के अंदर 3 बच्चों के माँ के साथ फोटो कैप्चर हुआ। उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए किस तरह की बंदोबस्त विभाग की उसकी? यह क्षेत्र जहाँ पर इसने इन्होंने बच्चे दिए हैं वो नॉन टूरिस्ट जोन का एरिया है, दरार चौकी के पास का क्षेत्र है। कुंडेरा रेंज और दरार चौकी के स्टाफ जो है उसको विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए हुए हैं और एक सामान्य रूप से जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो करी है, उसके साथ साथ विशेष व्यवस्था के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी इनको निर्देश दिए हुए हैं। सर, मछली की यहाँ अहम भूमिका रही है रणथंबोर को आबाद करने में, तो क्या इससे कहीं कहीं इनका संबंध? वैसे तो यहाँ अगर पिछले 30 वर्ष के इतिहास में जाएँ, 20 वर्ष के इतिहास में जाएँ तो 3 टाइगर्स हैं जिन्होंने बच्चे दिए हैं और उन्हीं के बच्चों के बच्चे होते जा रहे हैं, तो हर टाइगर्स का एक महत्व है, मछली का भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। और T17 सुंदरी की बच्ची है, ये T73 सुंदरी की बच्ची है। बता दें रणथंबोर टाइगर रिजर्व उत्तर भारत के बड़े उद्यानों में से एक है जिसे विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। हर साल यहां लाखों टूरिस्ट शेर खान की बस एक झलक पाने के लिए दूर दूर से आते हैं।